नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। रोजगार से जुड़े टॉप 5 वैकेंसी में हम आज आपसे बात करेंगे बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी पटना, सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशनाबाद, मुंबई हाईकोर्ट कर्नाटक, कंटोनमेंट बोर्ड, असम इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाले गए रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी पटना की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जनरल मेडिकल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 20 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 37 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR, EWS, BC, MBC को 600 रुपए, SC, STPH को 150 रुपए और बाकी सभी श्रेणी की महिलाओं को 150 रुपए देना होगा। आखिरी तारीख 15 मार्च 2021 तय की गई है। सभी इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो एक बार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टेनोग्राफर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 12 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 38 साल तय की गई है। जहां तक एप्लीकेशन फीस की है तो 200 रुपए आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आखिरी तारीख 5 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर एक बार जरूर क्लिक करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टाइम कीपर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 23 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ITI या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थियों का 18 से 30 साल के बीच में उम्र होना अनिवार्य है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को 200 से लेकर 600 रुपए तक आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना पड़ सकता है। आखिरी तारीख 12 मार्च 2021 की तय की गई है। इसके साथ ही इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर एक बार जरूर क्लिक करें। इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटका कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सफाई वाला, चौकीदार, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, प्राइमरी असिस्टेंट टीचर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 15 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 7वीं, 12वीं या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 30 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को 300 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। आखिरी तारीख 19 मार्च 2021 की तय की गई है। वहीं इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इन वैकेंसी नोटिस से जुड़ी सभी आवश्यक बातों की विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर एक बार जरूर क्लिक करें। इसके बाद अब हम आखिर में बात करेंगे असम इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है प्यून, चौकीदार, खलासी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या फिलहाल साझा नहीं की गई है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 38 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को कोई आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आखिरी तारीख 4 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं इच्छुक आवेदक ध्यान रखें कि इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर जरूर क्लिक करें। इसके साथ ही रोजगार से जुड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।